दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत। भारत का जो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसके द्वारा देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कानून बनाने की मांग की जा रही थी। कई जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता जैसे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल थे, मेधा पाटेकर, किरण बेदी इत्यादि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। भ्रष्टाचार विरोधी इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक जो गैर सरकारी सामाजिक संगठन का इन्होंने निर्माण किया था, और संतोष हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर जो रिटायर्ड भूतपूर्व, ये बिल भारत के विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनता के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया। इसे लागू कराने के लिए सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी अन्ना हजारे के नेतृत्व में ये जो 2011 में अनशन शुरू किया था, जन लोकपाल बिल। 16 अगस्त में हुए जन लोकपाल बिल आंदोलन 2011 को मिले व्यापक समर्थन ने तत्कालीन भारत सरकार को संसद में प्रस्तुत सरकारी लोकपाल बिल के बदले एक सशक्त लोकपाल के गठन के लिए सहमत होना पड़ा था। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 5 अप्रैल 2011 से नई दिल्ली के जंतर मंतर में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। आप सभी लोग जानते हैं अन्ना हजारे एक भूतपूर्व सैनिक हैं, और वो अपने रिटायर्ड होने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद वो समाज सेवा में लग गए। अनशन पर बैठ गए वो जंतर मंतर में 5 अप्रैल 2011 को, और उनका उद्देश्य भारत सरकार, तत्कालीन भारत सरकार को जन लोकपाल बिल पारित करने के लिए बाध्य करना था। उनके अनशन को संपूर्ण भारत में भारी समर्थन मिल रहा था। 5 अप्रैल 2011 के आमरण अनशन के दौरान भारत सरकार ने भरोसा दिया कि सरकार आपके सरकार मिलकर एक नया मसौदा तैयार करेगी, लेकिन अन्ना टीम की कोई भी बात नहीं सुनी गई और सरकारी जो लोकपाल बिल संसद में रखा गया, जिसके कारण अन्ना को दोबारा 16-8-11 को फिर से आमरण अनशन पर जाना पड़ा, जिसको बहुत ज़्यादा मात्रा में समर्थन भी मिला। दिल्ली के रामलीला मैदान में 2,00,000 लोग हर रोज आते रहे, जिसके कारण सरकार को दोबारा नए सिरे से जन लोकपाल लाने का वायदा किया। ये वायदा भी पूरा नहीं होने पर फिर से जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। वहाँ पर भी जब सुनवाई नहीं हुई तो अन्ना साहब को पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा करनी पड़ी, लेकिन जब पार्टी बनाने की बात आई तो अन्ना साहब ने पार्टी में शामिल होने से यह कहकर इनकार कर दिया कि राजनीति में कीचड़ है, जिस पर 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में फिर एक पार्टी बनाई गई। इस पार्टी का नाम रखा गया आम आदमी पार्टी, आप पार्टी। मीडिया का साथ कम मिलने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पार्टी का प्रचार किया, और जिसका फायदा ये मिला कि 4 दिसंबर 2012 को चुनाव होने पर आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली 70 में से। परिणाम स्वरूप उसने कांग्रेस सरकार से को सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने 28 दिसंबर 2013 को रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकपाल बिल में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए जन लोकपाल बिल को तैयार किया गया।
जन लोकपाल संतोष हेगड़े वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण मैगसे पुरस्कार जो विजेता थे। यह बिल विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनता के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया, लेकिन आज इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। देश में सुधार और भ्रष्टाचार दूर करके देश में अन्याय तुष्टिकरण स्वार्थ से ऊपर उठकर अब प्रत्येक का साथ, प्रत्येक का विश्वास, प्रत्येक का प्रयास और प्रत्येक व्यक्ति का विकास की नीति लागू करके ही देश की जो है आर्थिक व्यवस्था में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ न कुछ सरकार ईमानदार भी होती है तो कुछ न कुछ कमी रह जाती है, और एक आम आदमी, आम देशवासी की जो आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उनका जो है तो संपर्क नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज जिस तरह से देश में विभिन्न विभागों में, सुरक्षा विभागों में तुष्टिकरण हो रहा है और सही संतुलन नहीं है, तो इस कारण से इस प्रकार की जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, सुधार लाओ देश बचाओ की मुहिम को आगे बढ़ाना जरूरी होगा लगातार इसको। तो क्या आज देश में कोई टीम, कोई संस्था इस प्रकार सक्रिय है जो इस तरह से इंडिया अगेंस्ट एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में पूरी सक्रियता से के साथ अन्ना हजारे जी की टीम की तरह अभी भी काम कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के बुद्धिजीवी लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारे देश के युवाओं से आग्रह करता हूं कि इस तरह की मुहिम, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, देश में सुधार लाओ देश बचाओ का अभियान, शांति और अहिंसा के माहौल में जारी रहना चाहिए, और तभी देश में जो है तुष्टिकरण दूर होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा, करप्शन, अराजकता में कमी होगी और देश में खुशहाली आएगी, तभी देश में हरियाली आएगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःभाग् भवेत् का, देश का महापुरुषों का सपना तभी साकार होगा और देश खुशहाल होगा, मजबूत बनेगा। तो इसी तरह से हमारी जो संस्थाएं हैं और इस इनमें और जो भी राजनीतिक विभाग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकारी विभाग हैं और सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जब इस तरह से देश में जागरूकता अभियान चलेंगे तो इन संस्थाओं में भी पारदर्शिता आएगी और लोग कम से कम डर के मारे तो मतलब ईमानदारी से थोड़ा बहुत काम करने का प्रयास करेंगे। आज जिस तरह से देश के कई लोग, कई विभागों के लोग और उनकी आवाज़ सही जगह तक नहीं पहुंच पाने के कारण और उनके वास्तविक जायज़ हकों से वंचित है, इसी तरह से हमारी एक फोर्स है असम राइफल, अपने त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के बावजूद भी, एक अव्वल गैलेंट्री इतिहास के बावजूद भी, और इसका 90% आदमी लगातार दशकों तक विषम और विपरीत परिस्थितियों में देश की सेवा करता है, लेकिन और MOD आर्मी ऑपरेशनल कमांड में देश की सेवा करता है, लेकिन जो है इसको रक्षा मंत्रालय से अभी तक भी जो इसका पेंशन, वेतन, प्रमोशन, भूतपूर्व सैनिक सुविधा का लाभ से यह फौज अभी भी वंचित है। बात पैसे की नहीं है, बात है सिस्टम व्यवस्था में सही सुधार लाने की, और तो असम राइफल के 1.25 लाख भूतपूर्व सैनिक परिवार और 70,000 के लगभग सेवारत सैनिक परिवार के लोग चाहते हैं कि असम राइफल जिस जो देश की जिस कमांड के अंदर, जिस मंत्रालय के अंदर देश की रक्षा सुरक्षा करती है, तो उसी मंत्रालय से उसको उसका जायज पेंशन, वेतन, प्रमोशन और भूतपूर्व सैनिक सुविधा का लाभ मिले।
और जो भी मानदेय जो उसको जायज लोकतांत्रिक है संवैधानिक है वो दिया जाए, लेकिन उसको सही मंत्रालय में उसको लिया जाए। लोगों लोग चाहते हैं और इसका जायज हक ये है कि MOD आर्मी जैसे जम्मू कश्मीर मलेशिया थी और उसने उसकी फौज ने अच्छा काम किया। इस फौज ने 1947 में वो खड़ी हुई थी और जम्मू कश्मीर में असम राइफल की तर्ज पर ही, और 1947 में जब पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने वहाँ पर आक्रमण करना शुरू किया था तब ये मलेशिया फौज बनाई गई थी जम्मू कश्मीर में, और लेकिन इसने उसके बाद 1965 में जो पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसमें बहुत अच्छा काम किया। तो इसी तो 1975 में इसको पूरी तरह से MOD आर्मी में ले लिया गया था। इसी तरह से असम राइफल के लोगों ने भी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और जम्मू कश्मीर, श्रीलंका, हेती, चाइना बॉर्डर और माइनस डिग्री टेम्परेचर अरुणाचल प्रदेश का सैकड़ों वर्षों से वहाँ पर और देश की रक्षा सुरक्षा में अपना अहम महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इनका भी जायज हक बनता है यदि संभव है और जल्दी ही इसको MOD आर्मी बनाने के लिए बनाया जाए, और यदि ऐसा जल्दी संभव नहीं है तो इसका प्रपोजल बना के इसका जो है इस पे कैबिनेट में CCS में चर्चा की जाए और इसको MOD आर्मी बनाने का पूरा प्रयास किया जाए, और तब तक इसको MOD आर्मी के जो है उसके तर्ज पर इसको इसके भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों को पेंशन, प्रमोशन, वेतन भूतपूर्व सैनिक सुविधा का इसकी तर्ज पर दिया जाए। मानदेय पैसा जो संवैधानिक लोकतंत्रिक है वो दिया जाए जब तक ये आर्मी नहीं बन जाती, लेकिन इसको सही मंत्रालय के अंदर, क्योंकि असम राइफल का मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि 90% लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन आते हैं 20 साल के बाद, क्योंकि दशकों तक जंगलों में पड़े रहते हैं, दशकों तक जो है विषम और विपरीत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, चीन बॉर्डर और की जो विषम परिस्थितियों में अपनी सेवा देते हैं, देश की रक्षा सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो सरकार को इसका सर्वे करना चाहिए और एक उच्च स्तरीय कमीशन इसके लिए बैठाना चाहिए और एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के इसकी इसका सर्वे करके असम राइफल के लोगों के को उसके उनके जायज हक यथा समय पे दिलाना चाहिए, देना चाहिए। तो ये था आज के लिए, तो आज का मेन टॉपिक था कि इंडिया अगेंस्ट एंटी करप्शन। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आने वाले समय में भी हम इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में लिख के दिखाइए कि कौन से टॉपिक में हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो आप के लिए इतना, नमस्कार।